आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण से बचाव के लिए आगरा में स्वास्थ्य कर्मी, फ्रंट लाइन वर्कर और 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को सोमवार से वैक्सीन की तीसरी डोज के रूप में बूस्टर डोज लगाई जा रही है। बूस्टर डोज लगवाने के लिए दूसरी खुराक से 9 महीने का अंतराल जरूरी है। जैसे ही 9 महीने का समय पूरा होगा, वैक्सीन लाभार्थियों के मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा, जिसके बाद वो अपनी बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। ताज नगरी में कोरोना वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज, तीसरी डोज सोमवार से लगना शुरू हो गई है। 51,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मी और फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्रिकॉशन डोज 580 से अधिक सेंटर्स पर लगाई जा रही है। वहीं 60 से अधिक उम्र के बीमार बुजुर्गों को भी ये बूस्टर डोज लगना शुरू हो गई है। नहीं, बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है और सही तरह से बूस्टर डोज लग गई है। और हाँ, मैंने भी लगवाया है, मेरी पत्नी ने भी लगवाया है। कैसा लग रहा है अभी आपको बूस्टर लगने? नहीं, अच्छा लग रहा है। किस तरह की कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बढ़िया, अच्छा कार्यक्रम चल रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से। काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है और सबको लगवाना चाहिए। मैं इसी अस्पताल में नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट के पद पर हूँ और मैंने बूस्टर लगवा लिया है। अपने को सेव करते हुए मैं और भी बच्चों को सेव करने के उससे लगवाया है। नहीं, अभी बूस्टर डोज लगवाया, किसी तरह की परेशानी आई है? अभी तो नहीं है कोई परेशानी। तो क्या क्या प्रक्रिया क्या है बूस्टर डोज लगवाने की? प्रक्रिया ये है कि वो 2 इंजेक्शन लगवाने के बाद बूस्टर लगवाना चाहिए 6 महीने बाद। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई गाइडलाइंस के अनुसार कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने के 39 सप्ताह के बाद बूस्टर डोज लगाई जा रही है। ताज नगरी में 24,823 स्वास्थ्य कर्मी और 26,820 फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्रिकॉशन के तौर पर ये बूस्टर डोज लगाई जानी है। इन्हें मैसेज भेजे जा रहे हैं। वहीं 60 से अधिक उम्र के बीमार बुजुर्ग डॉक्टर के परामर्श के बाद प्रिकॉशन डोज लगवा सकते हैं। बूस्टर डोज 9 महीने बाद, सेकंड डोज के 9 महीने बाद बूस्टर डोज लग रहा है। जिस कंपनी का है उसी कंपनी का लग रहा है। जैसे कोविशील्ड है तो कोविशील्ड का है, कोवैक्सीन है तो कोवैक्सीन का है। माने कि ये जो बूस्टर डोज कुछ और नहीं है, थर्ड डोज है वैक्सीन की? हाँ, थर्ड डोज या प्रिकॉशन डोज के नाम से, बूस्टर डोज या प्रिकॉशन डोज के नाम से है ये, जो आफ्टर 9 मंथ है। अभी तक कम से कम बूस्टर डोज लग चुके हैं, अभी तक 35 से लेकर 40 के बीच में लग चुके हैं अभी तक। हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर और 60 साल से जो ऊपर हैं, उन लोगों के ये वैक्सीन लग रहा है अभी। सोमवार को जिला अस्पताल में भी बूस्टर डोज लगवाने के लिए सीनियर सिटीजन्स, स्वास्थ्य कर्मी एवं फ्रंटलाइन वर्कर्स बड़ी संख्या में पहुंचे, जहां बूस्टर डोज के लिए कमरा नंबर 105 में सभी इंतजाम किए गए थे। वैक्सीनेशन के बाद वैक्सीन लाभार्थियों को आधे घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन रूम में रखा गया। बूस्टर डोज लगवाने के लिए काफी लोग खुद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जिला अस्पताल पहुंचे, तो कुछ लोगों का रजिस्ट्रेशन जिला अस्पताल में मौके पर ही किया गया। जिनको 2 डोज पहले ही लग चुकी है सर, लगभग 39 वीक्स पहले, लगभग 9 महीने पहले, उसको बूस्टर डोज दी जा रही है। जो भी बुजुर्ग, मतलब जिन्हें सीनियर सिटीजन्स को दे रहे हैं अभी, तो जो भी आ रहे हैं सर, उनको दी जा रही है। चाहे वो रजिस्ट्रेशन करा के आ रहे हैं, नहीं आ रहे, सबको दी जा रही है। आखिरकार बूस्टर डोज है क्या और कैसे काम करती है? बूस्टर डोज में जो होता है, ये इम्यूनिटी को एकदम बूस्ट कर देती है, जैसे कि नाम इसको इंडिकेट करता है सर। ये इम्यूनिटी हमारी डेवलप हुई होगी पहले जो वैक्सीन लगे हैं, इसको और ज़्यादा बढ़ाने का काम करेगी ये। इस समय हमारा कोरोना इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, तो इस समय बहुत ज़्यादा जरूरी है इसको लगवाया जाए। जिला अस्पताल के CMS डॉक्टर अशोक कुमार अग्रवाल ने बताया कि कोवैक्सीन लगवाने वालों को कोवैक्सीन की ही तीसरी डोज लगेगी। वहीं जिन लोगों ने कोविशील्ड लगवाई है, उन्हें तीसरी डोज भी कोविशील्ड की ही लगाई जा रही है। ये वो सेम वैक्सीन है सर, इसकी थर्ड डोज को बूस्टर डोज बोला जा रहा है, वही वैक्सीन है जो पहले में और दूसरे में लगी थी। मतलब जिनको कोविशील्ड दिया गया है उनको कोविशील्ड दी जाएगी? यस सर, जिनको कोविशील्ड उनको कोविशील्ड, जिन्होंने कोवैक्सीन ली है वो कोवैक्सीन की लेंगे बूस्टर डोज सर। जिला अस्पताल के CMS डॉक्टर अशोक कुमार अग्रवाल का कहना है कि कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज कहीं न कहीं लोगों को कोरोना वायरस की तीसरी लहर से बचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ताज नगरी में लगातार कोरोना वायरस संक्रमण तेजी से रफ्तार पकड़ता जा रहा है, लगातार मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं इसने स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ जिला प्रशासन की चिंता भी बढ़ा दी गई है। ऐसे में सरकारों द्वारा बूस्टर डोज लगाने का अभियान शुरू किया गया है। 10 जनवरी है और हम इस समय मौजूद है जिला अस्पताल में और यहाँ पर बूस्टर डोज लगना शुरू हो चुका है। बूस्टर डोज सीनियर सिटीजन्स के साथ साथ
फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाई जा रही है फिलहाल, और जिस तरीके से जिन लोगों को वैक्सीन लिए 9 महीने हो चुके हैं उन लोगों की है बूस्टर डोज लगाई जा रही है। बूस्टर डोज और कुछ नहीं, वैक्सीन की तीसरी डोज है जिसे एहतियातन दिया जा रहा है तीसरी डोज को। हालांकि हम बता दें आपको कि जिन लोगों ने कोवैक्सीन लिया है उनको कोवैक्सीन दिया जा रहा है, और जिन्होंने कोविशील्ड लिया है उनको कोविशील्ड की डोज दी जा रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं ज़रूरी है कि जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो वैक्सीन है कहीं ना कहीं कोरोना वायरस से जारी जंग में कहीं ना कहीं कारगर साबित होगी। लेकिन देखना ये होगा कि लगातार जिस तरीके से कोरोना वायरस का लगातार वेरिएंट बदल रहा है, रूप बदल रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं कब तक ही कोई कारगर वैक्सीन सामने आ पाएगी, क्योंकि वैक्सीन लगने के बाद भी लोग संक्रमित हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बड़ा चिंता का विषय है। अपने साथी राजीव के साथ अनिल कुमार सिंह, सी न्यूज़ आगरा।